Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm going to show you my updated morning routine. So yes, I wake up in shock because I'm not at all a morning person और अभी मैं थोड़ा सा जल्दी उठने लगी हूँ. तो सबसे पहले उठने के बाद मेरा जो जॉब होता है वो ये होता है कि मैं अपने बेड को ठीक करती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह उसी टाइम पे ठीक करके ऑर्गेनाइज करती हूँ. नेक्स्ट आई डायरेक्टली गो टू माई लिविंग रूम एंड बहुत ही स्लीपी फील करती हूँ. तो मेरा जो सेकेंड जॉब होता है उठने के बाद वो ये होता है कि मैं प्लांट्स को पानी देती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा लाइवली और फ्रेश फील करूँ. उसके बाद हमारे यहाँ जो मिल्क सप्लाई होती है वो कूपन्स के थ्रू होती है. तो कूपन हम रात में इस तरह से रख देते हैं और वो सुबह इस बैग में जो मिल्क का पैकेट है वो छोड़ जाते हैं. तो इस तरह से मैं वो जो बैग है उसको उसकी डेजिग्नेटेड एरिया में रखती हूँ ताकि कोई भी उसको रखे तो उसको पता रहे कि देन नेक्स्ट मैं किचन में जा कर के जो अपना सबसे पहले मिल्क है उसको निकालती हूँ जार में एंड देन उसको थोड़ा सा यू नो गर्म करती हूँ. उसके बाद मैं फटाफट से ब्रश करने के लिए जाती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे रेडी होना रहता है, मेरी योगा क्लासेस रहती हैं. तो मैं ब्रश करने के बाद अपना फेस वॉश यूज़ करती हूँ जो कि है क्लीन एंड क्लियर, और थोड़ा सा एनर्जाइज्ड होने की कोशिश करती हूँ बिकॉज मैं बहुत स्लीपी फील करती हूँ. अभी मुझे हैबिट नहीं हुआ है प्रॉपरली उठने का इतने बजे, तो दैट्स वाई. ब्रश करने के तुरंत बाद मैं चेंज करने के लिए जाती हूँ अपने योगा ड्रेस में. उसके बाद फटाफट से मैं अपनी योगा मैट लेती हूँ एंड विदाउट शूज़ जाती हूँ मैं, मतलब मैं स्लीपर्स में ही जाती हूँ बिकॉज मैं अपनी सोसाइटी में जा रही हूँ. एंड एट दी एंड आपको योगा जो है वो विदाउट मतलब आपको कुछ फुटवेयर नहीं पहनना रहता है. तो यस एंड योगा क्लास से आने के बाद आई फील लाइक आई एम डेड, आई एम कम्प्लीटली डेड. मतलब मैं भी इतना ज़्यादा एकदम से एनर्जेटिक फील नहीं करती हूँ. ऑल दो वन आवर के बाद जब मैं अपना यू नो व्हेन आई टेक बाथ तब उसके बाद मैं फ्रेश फील करती हूँ, बट एकदम से मैं नहीं करती हूँ बिकॉज ये अभी नया नया है. एंड हम लोग सिर्फ प्राणायाम योगा नहीं करते हैं, वी डू लॉट ऑफ आसन. मतलब वो मुझे बहुत सारे आसन भी करवाती हैं. स्टिल आई एम यू नो मैं इतना डांस करती आई हूँ तब भी योगा करने के आसन में मुझे डिफ़िकल्टी होती है, मतलब आई एम नॉट दैट फ्लेक्सीबल. तो येस, और उसके बाद मैं फटाफट से अगेन चेंज करती हूँ अपने जो नॉर्मल क्लोथ्स है उसमें जो मैंने पहने हुए थे वही, बिकॉज मैं आते से ही एकदम से नहाने नहीं जाती हूँ. फॉर द रीज़न बीइंग मुझे फटाफट से लंच प्रिपेयर करना रहता है विक्की के लिए, अगर मैं नहाने चली जाऊँ तो मैं लेट हो जाऊँगी. उसके बाद मैं अपने लिए शेक बनाती हूँ जो कि है प्रोटीन चॉकलेट यम्मी डिलीशियस शेक. तो सबसे पहले मैं अपना जो प्रोटीन पाउडर है वो यूज़ कर रही हूँ, ये ओजीवा का प्रोटीन पाउडर है. अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड देन उसके बाद उसमें मिल्क ऐड करती हूँ एंड उसके बाद मैं इसमें कोको पाउडर भी ऐड करती हूँ. इट्स टोटली यू नो आप के ऊपर है, तो मुझे चॉकलेट शेक्स बहुत पसंद है तो मैं इसलिए कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ. देन मैं हर्शीज़ का सिरप ऐड करती हूँ, मतलब इट टेस्ट लाइक ओ माय गॉड इट्स यम्मी. अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है. आप चाहें तो आप बनाना की स्मूदी बना सकते हैं, आप जो आप पसंद करते हैं वैसे स्मूदी बना सक के इसको प्रोटीन को ले सकते हैं.
ये जो चॉकलेट शेक है वो हमारा रेडी हो चुका है। ऑल्दो ये जो प्रोटीन पाउडर है ये चॉकलेट के फॉर्म में है, बट और इसको यमी बनाने के लिए आई ऐड दीज थिंग्स एंड ये हमारा रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट के लिए। और उसके साथ ही साथ मैंने जो काले चने होते हैं उसको बॉईल कर दिया था पहले ही, एक रात पहले मैं बॉईल कर देती हूँ। एंड उसमें मैंने नॉर्मली सिर्फ प्याज, टमाटर एंड थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला, ये सब डाला है एंड उसके ऊपर कोरिएंडर डाला हुआ है। एंड यस, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट और इससे मैं अपनी जो दिन की है शुरुआत वो करती हूँ। एंड उसके बाद मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ एंड साथ ही साथ रिप्लाई करती जाती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं जनरली कमेंट के रिप्लाई नेक्स्ट डे 11 से 12 के बीच में करती हूँ, तो वो मेरा यही टाइम रहता है। तो यस, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट करती हूँ बिकॉज मुझे फटाफट से लंच बनाना रहता है एक घंटे के अंदर अंदर, बिकॉज विक्की ऑफिस जाते हैं, उसके बाद जब वो चले जाते हैं तब आराम से मैं बैठ करके मी टाइम लेती हूँ अपना एंड तब मैं ये करती हूँ। उसके बाद आती है डेली जो क्लीनिंग होती है छोटी मोटी, वो क्लीनिंग मैं अपना करना स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे वीकली क्लीनिंग करना है, डीप क्लीनिंग, तो वो अलग डेज रहते हैं। या भी नॉर्मल क्लीनिंग जो है, जो मैं सिर्फ डस्टिंग करती हूँ आप ये बोल सकते हैं, वो डस्टिंग मैं अभी फटाफट से करती हूँ। उसके बाद मैं जितने भी बर्तन जो क्लीन होते हैं उसको मैं जमाती हूँ फटाफट से, उनकी जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पर उनको रखती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से पूरी क्लीनिंग करती हूँ स्टैंड की और किचन की, आप ये बोल सकते हैं गैस स्टोव की क्लीनिंग करती हूँ एंड पूरा वो जो स्टैंड है वो क्लीन करती हूँ। एंड वो करने के बाद मैं फटाफट से आई जस्ट गो एंड टेक शावर, और वहाँ से आने के बाद मेरा सबसे पहले काम ये होता है कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ। ये हमारा मंदिर है छोटा सा। पूजा करने के बाद इस तरह से एक धूप बत्ती मैं हमेशा अपने हॉल में लगाती हूँ ताकि पूरे हॉल में बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है और पॉजिटिविटी आती है मुझे। देन उसके बाद मैं, क्योंकि आज मैं कहीं जाने वाली हूँ एक मीटिंग पे, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग रेडी और मैं कुछ नहीं कर रही, मैंने सिर्फ बीबी क्रीम लगाया है एंड थोड़ा सा कंसील अप किया है जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर की रिक्वायरमेंट थी। देन थोड़े से आईब्रोज किए हैं और यहाँ पर मैं मैक का रूबी वू लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैंने एक कॉम्पैक्ट लगाया है बहुत ही नॉर्मल सा, तो बहुत ही सिंपल मेकअप मैं कर रही हूँ। एंड या आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बट मैं अपने बालों को जो है वो बन बनाने वाली हूँ टाई अप। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अपना डिओड्रेंट इसी तरह से लगाती हूँ, प्लीज़ बेयर विथ मी, मैं कपड़ों के ऊपर ही लगाती हूँ। एंड घर से निकलने से पहले मैं हमेशा पानी ज़रूर पीती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट कीप्स माई बॉडी हाइड्रेटेड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है तो इसके लिए, और हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए तो इसलिए मैं बैठ के पानी पीती हूँ। एंड घर से निकलने से पहले आई मेक श्योर टू कॉल विक्की बिकॉज अगर वो कॉल पिक नहीं करते हैं तो मैं मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ जस्ट फॉर अ सेफर साइड। एंड इस वीडियो में मैंने अपना लंच इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज मैं सिर्फ एक घंटे की मीटिंग पे गई थी और मैंने काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट किया था। तो यही था मेरा मॉर्निंग अपडेटेड रूटीन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।